गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ दीपेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल। आई होप आप सभी ने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया होगा और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं स्कूल से उन्हें आप डेली देखते रहें और उनका होमवर्क अपनी नोटबुक में राइट करें और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएँ। प्रीवियस वीडियो में क्लास सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए हमने एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का एडजेक्टिव्स के बारे में स्टार्ट किया था। उसको हमने जाना कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। जो भी वर्ड्स आपके नाउन एंड प्रोनाउन की के बारे में उनकी विशेषता बताते थे वो हमारे एडजेक्टिव के अंदर आए। ओके, उसके बाद हमने इनके एग्जांपल्स को भी देखा और हमने टाइप्स पढ़े। फर्स्ट टाइप था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकंड था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, थर्ड था एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड फोर्थ था हमारे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके गाइज, आज हम उसमें से टू टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक। किन कौन से वर्ड आपके किसी की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड भी यूज करेंगे वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आएंगे। द एडजेक्टिव्स विच शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, यानी जो भी वर्ड्स आपके जो एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण व शब्द हैं, जो भी पर्सन या थिंग्स या तो व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं, उनकी दशा को बतलाते हैं, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखें, ही इज ए ब्रेव बॉय, यानी वह जो लड़का है वो ब्रेव यानी बहादुर है। उसमें कैसा गुण है, उसकी क्वालिटी क्या है, ब्रेव है, वो कैसा है, ब्रेव। तो यहाँ ब्रेव क्या है, क्वालिटी एडजेक्टिव। मोहिनी इज ए क्लेवर गर्ल, जो मोहिनी गर्ल है वो कैसी लड़की है, चतुर, क्लेवर मीन्स चतुर लड़की है, तो उसका कैसा क्वालिटी है, क्लेवर। जय बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, जो जय है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किससे जुड़ा हुआ है, एक धनवान परिवार, कैसे परिवार है उनका, धनवान, रिच फैमिली है। ओके, तो उनका क्या गुण है, धनवान का गुण है। सेकंड आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो आइए, द एडजेक्टिव विच शो द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी जो भी एडजेक्टिव वर्ड्स आपके नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी उसके परिमाण को बताए कि कितनी मात्रा है उस चीज की, मात्रा के बारे में जब भी आपको कोई भी शब्द बतलाएं वो आपके क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएं। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स है, अलका ड्रैंक द होल जूस, अलका ने डाल दिया होल जूस यानी पूरा जूस, जितना भी जूस था वो पूरा गिरा दिया या डाल दिया। दे हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसे हैं, जो पैसे हैं ना उनकी मात्रा है पैसों की वो उनके पास पर्याप्त है। तो जिस भी एडजेक्टिव में आपको क्वांटिटी के बारे में बताए, परिमाण के बारे में बतलाए वो परिमाणवाचक, और जो क्वालिटी के बारे में बताए वो आपके गुणवाचक। ओके गाइस, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करके होमवर्क जरूर सेंड करें। थैंक यू एंड स्टे होम।